व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हो, अभी प्ले स्टोर में जाके लाइटरूम एप्लीकेशन को अपडेट करो। रुको जरा, सबर करो, ये वीडियो देखने के बाद अपडेट करना। अभी आप लोगों को पता होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है। अभी तक आप लोग अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो एडिट किया करते थे, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर न्यू अपडेट आया है। अब आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपनी वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं। हाँ गाइस, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, आप लोग अब अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपनी वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना, वीडियो पहले नागिन निकाली, यानी कि आप लोग अपने वीडियो के अंदर भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि गाइस, आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कैसे करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है इस चैनल पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग कंटेंट या एडिटिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर एंड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। फाइनली गाइज, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो अभी के टाइम पर सबसे पहले तो यहाँ से आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। गाइज, अगर आपके पास लाइटरूम एप्लीकेशन नहीं है जो लेटेस्ट वर्जन है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका जो प्रीमियम है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे वहाँ पर लिख दीजिएगा सेंड मी लाइटरूम एप्लीकेशन, मैं आप लोगों को वहाँ पर इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो कि लेटेस्ट वर्जन आया है। अब यहाँ से आप लोगों को जैसे आप लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का जो इसका इंटरफेस है वो निकल कर आने वाला है या आ जाएगा। तो वैसे ही सेम है, कुछ अलग नहीं है बिल्कुल भी इतना अपडेट, बस इसमें यहाँ पर आप लोगों को इसका जो इंटरफेस है वो सेम देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको प्लस पर क्लिक करना होगा, एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से जो भी आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियो को एडिट वगैरह करना चाहते हैं, आप लोग अपनी वीडियो को यहाँ पर ले लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से उस वीडियो को ले लेता हूँ जो वीडियो मैं यहाँ पर आप लोगों को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस, हमारे यहाँ पर वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है जो वीडियो में हम यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं। तो फाइनली हमारे यहाँ पर अब आप लोगों को ऑल फोटोज पर क्लिक करना होगा, एंड यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, हमारी वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, अब यहाँ पर गाइस आप लोगों को नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रिम का। तो गाइस, अगर आप अपनी वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं आप लोगों को। अगर गाइस आप लोग इस वीडियो को फ्लिप करना चाहते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं आप लोग, अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत वगैरह नहीं है। अब यहां से आप लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा, एंड अब नेक्स्ट पर यहां पर प्रीसेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आप लोग इनमें प्रीसेट वगैरह यूज करना चाहते हैं तो प्रीसेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इनको अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा प्रीसेट देखने को मिलेंगे, जो भी आप लोग इनमें प्रीसेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितने ज़्यादा आप लोगों को यहां पर प्रीसेट देखने को मिलेंगे, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। तो गाइज, अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा नेक्स्ट लाइट का। तो गाइज, अगर आप अपने वीडियो के अंदर कोई एक्सपोजर वगैरह इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इंक्रीज वगैरह भी कर सकते हैं। आप लोग अपनी वीडियो के हिसाब से भी गाइज आप इनको एडजस्ट वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इन कॉन्ट्रास्ट वगैरह को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, हाईलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से। गाइज, करना क्या होगा, कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिक्स पर क्लिक कर देना होगा। मिक्स पर क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग अपनी वीडियो में अंदर इसका चेंज वगैरह करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जो भी स्काई का कलर होगा आप लोगों को यहाँ पर उस स्काई का कलर सेलेक्ट कर लेना होगा। स्काई का कलर सेलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देना होगा। तो जैसे आप माइनस करेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपकी स्काई का कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्काई का कलर चेंज हो जाएगा। एंड आप लोग यहाँ पर इसकी सैचुरेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो सैचुरेशन वगैरह को आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड इसकी ल्यूमिनेंस को आप थोड़ा सा माइनस कर दीजिएगा, थोड़ा प्लस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो स्काई का कलर है वो डार्क हो जाएगा। सो अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को, और गाइज और तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोग अपने हिसाब से कुछ इस टाइप से आप लोग अपनी वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। एंड अब आप लोगों को नेक्स्ट देखने को मिलेगा इफेक्ट्स का। सो इफेक्ट में तो सारे आप लोगों को बस विग्नेट का एक ऑप्शन आप लोगों को इनेबल हुआ मिलेगा, वैसे तो सारे ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने बंद किए हुए हैं। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, एंड आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के
अंदर कुछ स्टेप से आप लोग अपनी वीडियो को एडिट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो आप लोग अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको सेव पर शेयर पे जाना होगा, एंड यहाँ पर आप लोगों को सेव टू क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो आपके साथ ये शेयर करना था, मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।